मसीह यीशु के बाबरकत कादर और कवि नाम में पास्टर मकसूदगर की तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को, मुकद्दस महफल और उसके तमाम मेंबरान को, ग्रेस बाइबल फेलोशिप मिनिस्ट्री उसके तमाम मेंबरान को, तमाम क्रिश्चियों को, तमाम पास्टरों को, मुकद्दस महफल, मसीही महफल, जितने भी डिनोमिनेशन है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचे, आज सुबह का सलाम कबूल हो। मेरे अजीज़ों, मैं रोज़ाना की तरह चंद खुदावंद की मुकद्दस पाक कलाम में से आयात पढ़कर आपके लिए दुआ करूँगा। तो आइए खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मैं चंद आयात पढ़ूँगा। मरकस की अंजील और उसका पहला बाब 40 आयत से चंद आयात पढ़ूंगा। यहाँ यीशु मसीह एक कोढ़ी को शिफा देता है। यीशु शिफा का मंबा है। दुनिया में कोई ऐसा दुख बीमारी नहीं जिससे यीशु मसीह शिफा ना दे। सुने, कोढ़ का उस वक्त कोई इलाज ना था जब यीशु मसीह अपने ज़मीनी मिशन पे थे, तो वह एक कोढ़ी को शिफा देता। आइए, खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ, तू पाक साफ हो जा। और फिर फौर उसका कूड़ जाता रहा और वो पाक साफ। और उसने उसे ताकीद करके फिर फौर रुख्सत किया और उससे कहा, खबरदार, किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने ताएं काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकरर की नज़र गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। मेरे जिजो, खुदा का कलाम जो दोधारी तलवार से तेज़ है, जो नस नस और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे मुखातब होता है, खुदा बात करता है। खुदावंद के कलाम में इतने मोजज़े हैं कि अगर वो पूरे लिखे जाते तो बहुत बड़ी किताब बनती। सो ये खुदा का बड़ा रहम है, करम है, तरस है, जो उसने इंसान से किया और इंसान उसके हाथ की कारागरी है। उसने अपनी शबी पे इंसान को बनाया है। वो इंसान से बड़ा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत का ये तकाजा है कि उसने अपने बेटे का भी दरेग ना किया कि वो अपने बेटे को उसने इंसान की खातिर बख्श दिया और उसे कुर्बान किया। सो मेरे अजीजो, यीशु मसीह अपने ज़मीनी मिशन पे उसने बड़े बड़े मोजज़ात किए,
अंधों को आंखें दी, नबड़ों को टांगे दी, कूड़ियों को पाक साफ किया और उसने अपनी मोहब्बत का ये इजहार किया। देखें खुदावंद यीशु मसीह जो भी कुछ उसके पास आता दिल में ख्वाहिश करता कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ या कोई भी अपनी दुख बीमारी यीशु के पास लेकर जाता, यीशु से मखलसी देता, यीशु से शफा देता। इसी तरह ये शख्स भी यीशु के पास जाता है। उसने उसकी शोरत सुनी थी और जब उसके पास जाता है तो उसके सामने उसे सजदा करता है, क्योंकि और कोई सजदा के लायक नहीं। झुककर सजदा करता है और उससे अर्ज करता है, कहता है अय खुदावंद ये देख मैं कोढ़ से भरा हूं, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर यीशु को तरस आया और उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और उसे कहने लगा कि मैं चाहता हूं। और जब उसने उसे छुआ तो उसी वक्त उसका कोढ़ पाक साफ हो गया, कोढ़ जाता रहा। तो यीशु ने उसे कहा कि ऐसा कर कि जा अपने आप को अपने ताई काहनों को दिखा, क्योंकि उस वक्त काहन जो थे वही इस बात को डिक्लेयर करते थे, फैसला करते थे, नहीं तो जो कोढ़ी होते थे उनको तो दूर शहर से बाहर या गांव से बाहर एक जगह मुकर्रर होती थी, तो वहाँ उन कोढ़ियों को रखा जाता था और लोग उसे दूर जाकर खाना रख देते और वो उठा कर, यानी उन्हें आबादी में आने का कोई आर्डर नहीं था कि वो आबादी में लोगों के साथ रहें, नहीं वो अलग रहते थे ताकि एक से दूसरे तक कोढ़ ना पहुंचे। तो जब यीशु ने उसे छुआ तो वो पाक साफ हो गया। अब काहनों ने ये मुकर्रर किया था मूसा की शरीयत के मुताबिक कि उन्होंने क्या नज़र गुजरानी है, तो फिर यीशु ने कहा कि तू जाके अपने जाके काहनों को दिखा और ज़्यादा शोर या ज़्यादा बात ना करना, बल्कि चुप करके तू खामोश रहना और जाके उन्हें दिखा और वो तुझे बताएंगे कि कौन सी नज़र गुजरानी है, क्या चीज़ गुजरानी है, क्या कुर्बानी देनी है। तो वो काहनों के पास जाता है। सो मेरे अजीजो, आज भी यीशु मसीह मोजज़ात करता है। बड़े बड़े क्रूसट होते हैं, बड़े बड़े खुदा के खादमीन हैं जिनसे वो काम लेता है, छोटों से बड़ों से। ये खुदा की मर्ज़ी है, वो जिससे मर्ज़ी काम ले सकते हैं। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें, गौर करें तो शमूएल एक छोटा बच्चा था, तो खुदा ने उसे पुकारा और वो एली कैन के पास जाता है कि तूने मुझे आवाज़ दी, मैं हाजिर हूँ। वो दो तीन दफ़ा तो ना समझा, एली कैन को भी ना पता चला। तो जब
तीसरी बार वो आया तो उसने कहा कि अगर अब आवाज़ आए तो कहना आए खुदावंद मैं हाजिर हूँ। फिर ऐसा हुआ, फिर खुदा ने सैमुअल से बात की। सो आज भी मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ बातों से, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ वक्तों में खुदा अपने बंदों से बात करता है। हम कलाम पढ़ने वाले हैं, कलाम पढ़ें, खुदा के आगे झुकें। सो ये उसकी मर्जी है कि वो किसे चुन लेता है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। वो कैसे भी लोग क्यों ना हो, वो दुखों में भरे हों, बीमारियों में भरे हों, हर किस्म की दुख मुसीबत को दूर करने की कुदरत यीशु रखता है। हम देखें कि जो भी बंदा यीशु के पास गया, यीशु ने उसे कबूल किया। अगर हम उस ज़कई को देखें, कि ज़कई ने ख्वाहिश की थी कि मैं यीशु को देखूं, वो दरख्त पे चढ़ गया, यीशु नीचे आकर कहता ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर रहना दूर। उसने ख्वाहिश की थी, यीशु उसके घर आ गया। आज भी मेरे चीज़ों, अगर आपके दिल में यीशु की मोहब्बत है, आप चाहते हैं यीशु आपके पास होगा, लेकिन इसमें पहल हमने करनी है। अब इस कुड़ी ने उसके पास जाकर उसे सजदा किया और कहा कि अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूँ, और यीशु ने उसे पाक साफ कर दिया। आइए अगर आज हम भी उसे शख्स निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो वो हमारे भी साथ है। पहल हमने करनी है। इसलिए मेरे अजीजो, आपने यीशु को जाने पहचाने, वो आपकी बड़ी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है, और उसने हमें चुन लिया है, हम उसके चुनी दल हो गए। खुदा आज के कलाम के वसीला से, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं, आपको बड़ी बरकत दे। आप ध्यान से खुदा का कलाम पढ़ें, उसके हुक्मों पर अमल करें, तो खुदा आपको नेमतों बरकतों से मालामाल करेगा। मैं खुदा का खादिम होते हुए आपके लिए दुआ करता हूँ। आइए अपने खुदा के आके झुकें, उसे सजदा करें, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। इब्राहिम, ज़हाक, यकूब के खुदा, तू जो है, तुझे था, तू जो आने वाला है, तू जो कुल कायनात का खालिक और मालिक, मसीह यीशु में मेरे आसमानी बाप, बड़ी आजिज़ी इनकसारी से तेरे कदमों में सजदा रेज हूँ। दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी दी हुई नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए, ज़िंदगी तंदरुस्ती के लिए। आए खुदा खुदा, तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त है, तू हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे खुदा, कि अपने लोगों पर शफ़क़त भरा हाथ पड़ा, उन्हें छू, उन्हें बड़ी बरकत देना, उनके साथ होना। खुदा खुदा, तू जो रहीम करीम, कहर करने में धीमा, शफ़क़त रास्ते में घनी है, मेरी मिन्नत, मेरी अर्ज को सुन, मेरी दुआ को सुन। और खुदावंद, अगर कोई मुसीबत आता है तो खुदावंद उसकी मुसीबत के सुना में दूर हो जाए। जिनके पास औलाद नहीं, उन्हें औलाद जैसी नेमत दे, जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर जैसी नेमत दे, और तेरा नाम जलाल पाए। अरे खुदावंद खुदा, मेरी मिन्नत को सुन, मेरी दुआ को सुन। मैं मिन्नत करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान हमेशा आबाद रहे, मुल्क पाकिस्तान हमेशा कायम रहे।
इसमें जितनी भी अकवाम बसती हैं सब आपस में मोहब्बत और प्यार से रहें और तेरा नाम जलाल पाए। आए खुदावंद रहम कर, आए मेरे यसु रहम कर, आए मेरे यसु रहम कर, क्योंकि तू रहीम व करीम है, तू केयर करने में धीमा है, शफ़क़त और आसी में गनी है। मेरी इल्तिजा मेरी दुआ तेरे हजूर बखूब ईमान पहुँचे और तेरा नाम जलाल पाए। मेरे खुदा मैं मिन्नत करता हूँ मुल्क की तमाम कबीना के लिए, अफवाज के लिए, सब को अपनी पनाम रख, मुल्क के अच्छे हाकमों और जो कुछ करें मुल्क की बेहतरी के लिए करें और ये मुल्क हमेशा कायम रहे। और खुदा खुदा मेरी मिन्नत को सुन, मेरी दुआ को सुन। मेरे खुदा मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदामंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन।